हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 12 अप्रैल, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रिसेंटली MHRD मिनिस्ट्री लॉन्च्ड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। विद हेल्प ऑफ दिस कैंपेन, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। ओके, सो इस कैंपेन का नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन। आप इनको अपनी इसमें मेल भी कर सकते हो, कुछ सजेशंस भी दे सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो। ओके, ईमेल आईडी bharatpadheonline@gmail.com, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो #bharatpadheonline। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, MHRD मिनिस्टर कौन है। करेक्ट आंसर इज रमेश पोखरिया निशांक। अभी इसके रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो इन मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हरिद्वार उत्तराखंड। ये पॉइंट आपको याद रखो। इसके साथ साथ अभी आपको याद होगा समाधान चैलेंज भी लॉन्च किया गया था MHRD मिनिस्ट्री द्वारा, लाइक टीचर्स एंड स्टूडेंट को इनकरेज करना टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सक्षम पोर्टल भी लॉन्च किया गया कुछ टाइम पहले फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट बाय MHRD मिनिस्ट्री। IGOT पोर्टल भी, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। जो भी हमारे COVID-19 वॉरियर्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, रिलीफ वर्कर्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग पोर्टल IGOT, वो भी MHRD मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है रमेश पोखरिया निशांक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार। ओके, बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, जैक डॉर्सी आप जानते हो, CEO हैं ट्विटर के। इन्होंने अभी हाल ही में डोनेशन दिया $1 बिलियन का। ओके, एंड इन्होंने अराउंड 28% ऑफ इज टोटल वेल्थ। एंड इसके साथ साला रुआन वेराकॉन, ये सेक्रेटरी जनरल है SAARC के, ये आपको याद रखना है। अनुराग श्रीवास्तव अभी हाल ही में बनाए गए स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट करते हैं। ओके, देखो आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो स्टैटिक GK पोर्शन भी इंक्लूड किए मैंने, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन डेली में पूछा करूंगा एंड सेम वीडियो में मैं आंसर्स भी बताऊंगा। ओके, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड उनको अटैम्प्ट जरूर करें। वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स आज। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मॉर्निंग में वीडियोज़ के नोटिफिकेशन 5 बजे आप तक पहुँच जाए। ओके, एंड इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वारी रहेगी अगर आपकी रिलेटेड टू करंट अफेयर। दिस इज माई यूज़र ID। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज सब्सक्राइब नाउ अगर पहली बार विजिट कर रहे हो आज तो। सो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा जी हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द ट्विटर कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ज़्यादा प्रेफर करना, आपको भी चाहिए कि डिजिटल पेमेंट ही करना चाहिए, बैंक्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए, करेंसी नोट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। सो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें RBI के पहले गवर्नर कौन थे। ओके, तो ये आपको बताना है। सो RBI के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, इंडियन गवर्नर अगर पूछता है तो CD देशमुख। ओके, एंड प्रेजेंटली जो गवर्नर हैं 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया, इसमें जो लाइक मेन फेस रहेंगे आप जैसे एम्बेसडर कह सकते हो, वो बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को। ओके, बिग बी को अभी हाल ही में उन्हें IDFC कैपिटल फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो आपको याद रखना है। ओके, नंदन लाल के नहीं, आपको याद है 2019 में एक कमेटी बनाई गई थी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, तो उनको इनका हेड बनाया था। ये नॉन एग्जीक्यूटिव CEO हैं इन्फोसिस के। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे। RBI के बारे में बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1935 फाउंडेशन ईयर, नेशनलाइज्ड कब हुआ था 1 जनवरी 1949 जब इसकी फाउंडेशन हुई थी, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में थे, राइट नाउ जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं मुंबई में। ओके, तो ये सारे डिटेल्स याद रखनी है। प्रेजेंटली शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल पढ़ाई तुम्हार द्वार। ओके, मीन्स एजुकेशन एट यूर डोर स्टेप। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव, दिस इज़ अ स्कीम लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट, आपको ये बताना है। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में पढ़ाई तुहार द्वार, यानी कि आपको एजुकेशन एट योर डोर स्टेप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द CM ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, छत्तीसगढ़। ओके, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने छत्तीसगढ़ के रिलेटेड, ओके, कैपिटल, गवर्नर याद रखने, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, फाउंडेशन ईयर भी याद रखना है, रक्षा सर्व अभी एक ऐप लॉन्च की गई थी जो क्वारंटीन पेशेंट्स किए गए हैं उनके लिए, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी रक्षा सर्व, वो आपको याद रखना है। ये रेड कलर का पोर्शन यहाँ है जी हमारा छत्तीसगढ़। ओके, तो बाकी नेशनल पार्क्स की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। किसे बनाया गया न्यू डायरेक्टर, आपको यह बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऋषिकेश T. कृष्णन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ऋषिकेश टी कृष्णन. ओके, बाकी इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी जो रिसेंट में था, अभी इन्होंने विद अ कोलेब्रेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट महात्मा गांधी फेलोशिप स्कीम लॉन्च की गई थी, वो आपको याद रखना है. एक क्वेश्चन आपको यहाँ आपने मुझे बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौन है, ये आपके लिए, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मिनिस्टर कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट. इसका जो करेक्ट आंसर है ऋषिकेश श्री कृष्णन. बाकी अगर ऑप्शन की बात की जाए सुनील मोतेवाल, ये जी हमारे लाइक CEO हैं सार्क के. ओके, वो आपको याद रखना है. बाकी बोरिस जॉनसन जो इन्फेक्टेड हुए हैं UK के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम COVID-19, या फिर याद रख लीजिएगा मोहम्मद गैब्रियल, ये इनकी डेथ हो गई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे लिबिया के. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फिफ्थ क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 15,000 crore पैकेज टू बूस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आपको ये बताना है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री के. ओके, इंडिया के, ये काफ़ी ईजी आपके लिए. सो द करेक्ट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन. इसके साथ साथ आपको याद होगा 50 lakh का इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स. मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था, जो भी पुलिस पर्सनल्स हैं साथ साथ जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी 50 lakh rupees का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा. इसके साथ साथ राजस्थान ने भी ये डिसाइड किया कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो इसमें एंगेज हैं COVID-19 से फाइट करने के लिए, तो उनको भी 50,000 rupees का ये लाइक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा. सो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर है. बाकी अगर ऑप्शंस की बात किया जावेद अशरफ, ये इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर फ्रांस अभी हाल ही में बनाए गए थे. गोपाल बागले इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू श्रीलंका, एंड अजय बिसारिया हैं इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च न्यू वर्चुअल ब्राइल कीबोर्ड फॉर एंड्रॉयड 5.0 यूजर्स और इससे ज़्यादा हाई अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन होगा विद लो विजन और ब्लाइंडनेस. जो भी लोग लाइक विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं जिनको कम दिखता है उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड लॉन्च किया गया गूगल द्वारा. ओके, वर्चुअल ब्राइल कीबोर्ड. तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में आपसे लाइक किस तरीके का ये फीचर होगा, जब किसी भी जब उनको टाइप करना होगा ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. ओके, तो इसमें अगर किसी को ए लेटर टाइप करना होगा तो उनको टैप करना पड़ेगा .1 पे, किसी को बी टाइप करना है देन उसको टैप करना पड़ेगा 1 and 2 पे, सी टैप करना है सी लिखना है उसको उनको लाइक टैप करना पड़ेगा 1 and 4. इस तरीके का ये फीचर सो इसे लॉन्च किया है गूगल ने. आपसे ये पूछ रहा है कि CEO कौन है गूगल के. ओके, CEO हैं गूगल के हमारे इंडियन ओरिजिन के सुंदर पिचाई, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गूगल की फाउंडेशन कब हुई थी, 4 September 1998. फाउंडर कौन है, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ये आप याद रखिएगा. ओके, बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूं अरविंद कृष्णा, ये आपको पता होना चाहिए CEO बनाया गया अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के IBM के. जेफ बेजोस मोस्ट रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द 34th फोर्ब्स लिस्ट. ओके, जेफ बेजोस, ये आप याद रखिएगा, लाइक को फाउंडर हैं अमेजोन के. मनीष महेश्वरी, ये हैं जी MD एंड CEO ऑफ ट्विटर इंडिया. ओके, जैसे जैक डोरसे CEO हैं ट्विटर इंडिया के, इंडिया ऑपरेशंस इंडियन ऑपरेशंस मनीष महेश्वरी संभाल रहे हैं, याद रखिएगा. सुंदर पिचाई इज द करेक्ट आंसर. 7th ऑन विच डे नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल, कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया. ओके, दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ वाइट रिबन अलायंस इंडिया, 1999 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी एंड इट वॉज द एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी जी. ओके, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 अप्रैल को. ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जर्व करने का कि लाइक इंश्योर करना टू अवेयर पीपल अबाउट दैट द वुमेन हैव द राइट टू लिव सर्वाइव हैविंग लाइक प्रेगनेंट एंड चाइल्ड बर्थ. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 अप्रैल को, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट डे है. ओके, नेशनल सेफ मदरहुड डे. एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंडिया लाइक इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है एंड फर्स्ट कंट्री जिसने इसको अडॉप्ट किया था ऑब्जर्व करना हमारा इंडिया ही था, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया टू मेक फेस मास्क कंपल्सरी इन पब्लिक. तो फर्स्ट सिटी कौन बना था, बेसिकली ये है बताना आपको, फर्स्ट सिटी मुंबई बना था, बट राइट नाउ दिल्ली में भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया एंड ऑल अदर इंडियन स्टेट्स में भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया कुछ सिटीज़ में. ओके, बेसिकली इसको मैंडेटरी कर ही देना चाहिए राइट नाउ जो COVID-19 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है. सो होप्स ये मैंडेटरी ही हो जाएगा, आप बिल्कुल बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आपको ग्रॉसरी आइटम लेने जाना पड़ेगा तब भी आपको मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया जाएगा. तो दिस इज़ एसेंशियल, तो मुंबई ने इसको कर दिया. देन इसके साथ साथ लाइक दिल्ली ने भी किया 21 हॉटस्पॉट जहाँ आइडेंटिफाई किए गए. बाकी उड़ीसा फर्स्ट बना था जिसने लाइक 30 अप्रैल तक अपना डिक्लेयर कर दिया एंड आज मीटिंग है. अभी तक वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मे बी लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए. ओके, सो मुंबई इसका करेक्ट आंसर है.
देन हमारा 9th क्वेश्चन है द बुक टाइटल द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप इज पब्लिश्ड. तो इस बुक की ऑथर कौन है ये आपको बताना है. ओके, मेलिना ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ. ओके, सो करेक्ट आंसर इज इस बुक की ऑथर है मैरी जॉर्डन इज द करेक्ट आंसर. याद रखिएगा बुक का टाइटल याद रखना द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप. इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे मिचेल ओबामा इनकी एक बुक थी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है बिकमिंग. ओके, बिकमिंग बुक है जो ओबामा थे हमारे. तो ओबामा की वाइफ मिचेल ओबामा की वाइफ उनकी वाइफ है जो मिचेल ओबामा तो उनकी द्वारा ये बुक थी बिकमिंग. वो आप ज़रूर याद रखिएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है. इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. विच कंपनी हैज़ बैंड जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स. की वजह से इसको बैन कर दिया गया. एक लाइक जूम आप इसमें मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो आप लाइक कस्टमर्स आपके जो भी इकट्ठे मिलके एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो. सो इसको गूगल ने बैन कर दिया फॉर द सिक्योरिटी रीजन्स लाइक रीजन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से. तो इसे गूगल ने बैन किया. गूगल के बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल्स बता चुका हूँ. ओके, ताइवान ने भी इसको बैन कर दिया गया. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड एम्पावर्ड ग्रुप फॉर द कोऑर्डिनेशन विद प्राइवेट सेक्टर्स एनजीओ एंड ऑल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट विद कोविड 19. सो एक ग्रुप बनाया लाइक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो ये पूछ रहा है कि इस ग्रुप को हेड कौन कर रहे हैं. ओके, सो इस ग्रुप को हेड कर रहे हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर. नीति आयोग की फाउंडेशन कब हुआ था 1 जनवरी 2015 में. इसके चेयरमैन है जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी. ओके, वाइस चेयरमैन आप जानते हो राजीव कुमार. हर्षवर्धन ये तो आप जानते हो, अभी बता चुका हूँ हेल्थ मिनिस्टर हैं. ओके, देन उसके बाद हुआ इज बिकेम द डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर द यूएस प्रेजिडेंट इलेक्शन 2020. यानी कि ट्रंप को साथ में लाइक उनके विपक्ष में कौन रहेगा जो फाइट करेगा इलेक्शन में. 2020 में इलेक्शन भी होने वाले हैं यूएस में अगर हालात ठीक रहे तो. होप सो हो जाए, वैसे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यूएस की. सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है जिसका जियो बैडिन इज द करेक्ट आंसर. ओके, याद रखिएगा. बाकी ये नरेंद्र मोदी ये काफ़ी फनी ऑप्शन लग रहा है यहाँ, बाई मिस्टेक ऐड ऑन कर लिया. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. मोदी जी नहीं लड़ेंगे, मोदी जी इंडिया में रहेंगे. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंडियाज जीडीपी अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल 2021. द रिपोर्ट टाइटल द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2020. सो इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो जीडीपी इन्होंने प्रोजेक्ट किया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2021 जो चल चुका है स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से जो 31 मार्च 2021 में ख़त्म होगा. तो प्रोजेक्शन है जी 4.8% ऑनली. ओके, इससे भी ज़्यादा घट सकता है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए. राइट नाउ आप सबको पता ही कंडीशन कितना ज़्यादा ख़राब चल रहा है. ओके, ड्यू टू लॉकडाउन. बाकी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2022 ठीक है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इन्होंने एस्टिमेट किया वो 5.1%. याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% प्रोजेक्शन दिया है एंड मोडीज़ ने इन्होंने 2.5% दिया. ओके, सो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन नंबर है 4.8. नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी. तो किसे बनाया गया एमडी एंड सीईओ या बताना वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी. सो इनका नाम अनामिका रॉय राजतवार इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इनका नाम याद रख लीजिएगा. बाकी इनकी पिक्चर आपके सामने है. बाकी अरुंधति भट्टाचार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है. फर्स्ट वुमेन जो लाइक चेयरमैन थी SBI की जो अब रिज़ाइन करके लाइक अब बन चुकी हैं लाइक CEO इन्होंने बनाया गया US सेल फोर्स कंपनी का जो US की बेस्ड कंपनी है. ओके, बाकी मधवी पुरी बर्च ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्हें फुल टाइम मेंबर बनाया गया था. फर्स्ट फीमेल मेंबर है फर्स्ट वुमेन है जिन्हें फुल टाइम मेंबर बनाया एंड इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया टिल 4 अक्टूबर 2020. वो आपको याद रखना है. एंड अनामिका रॉय जी किसको सक्सीड करेंगी वरेंद्रा सिन्हा. याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ये आप मुझे बताएंगे पहले. SAARC डेवलपमेंट फंड ने 5 मिलियन का जो फंड किया है जो अलॉट किया है फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट्स इन इट्स मेंबर स्टेट्स. तो ये सेक्रेटरी जनरल ये मुझे बताओ. ओके, ये आंसर आपने मुझे बताना है. ये आपने तो बताना है बताना है. अब जो जीके पोर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, तो ये 5 क्वेश्चन है. ओके, तो ये देखो अभी मैं इसको आपको आंसर भी सही बताऊंगा पहले मैं आपसे पूछूंगा. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए. ओके, द एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैज विच एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैज बीन नेम्ड एज अ कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड फॉर हिज सर्विसेज टू एनवायरमेंट. तो इन्हें सम्मानित किया गया. इसके साथ साथ इन्हें लाइक स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं. आपको इनका नाम गैस करना है खुद ही. ओके, देखो आंसर्स मैं खुद बताऊंगा बट मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद कोशिश करो बताने की. ओके, सो आप अपने माइंड में इसको आंसर गैस करने की कोशिश कीजिए. वेल अगर आपको पता हो तो आप अभी तक आपने इसको गैस कर लिया होगा. इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है. ओके, इनका नाम है यादव पेंग. ओके, यादव पेंग इनका आंसर नाम है एंड ये आसाम के एनवायरमेंट
एक्टिविस्ट हैं, ओके, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले स्लाइड में आंसर्स क्लियरली आपको मिल जाएंगे, ओके। विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, ये तो काफ़ी ईजी आंसर है, यू कैन ईजिली आंसर एंड आई होप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी गैस करना कि लाइक सैनिटरी पैड्स को फ्री करने वाला कंट्री बना था, ओके। सो आई होप आपने गैस कर लिया, लक्समबर्ग इज द करेक्ट आंसर, स्कॉटलैंड बना था जिसने ऑल सैनिटरी नैपकिन को फ्री कर दिया था, ओके। सो हो गए दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मोहम्मद जैबरील, अभी इनका डेथ हो गया ड्यू टू COVID-19, आपको ये बताना था कि कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन जस्ट रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किए, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद जैबरील कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये थे जी लिबिया के, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्हें शपथ ली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक जो भी संविधान हमारे भारतीय संविधान के तहत इन्होंने शपथ ली है, सो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने अभी तक गैस कर लिया है, ओके, गैस कर लिया तो इनका नाम है रजनीश ओसवाल, ओके। सो लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे जी, जो अब एक यूटी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर, तो जो लास्ट गवर्नर थे, जो प्रेजेंट गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड जो लास्ट गवर्नर थे जो अब गोवा के गवर्नर बन चुके हैं यानी कि सत्यपाल मलिक जी, ओके। सो ये रहे जी सबके आंसर्स, आप इनके आंसर्स यहाँ से भी देख सकते हो, PDF डाउनलोड करोगे तो आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप आज आपको वीडियो ज़्यादा बेटर लगा एंड आपने ज़्यादा इन्जॉय किया एंड आपको ज़्यादा नॉलेज मिली, ओके। सो नाउ अगर आप ये सब कुछ क्लियर है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करते हैं तो दिस इज़ द रीज़न आई एम एबल टू डू दिस इन 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी इन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट।